करा सकता हूँ? यस यस आइए आइए। किसका नाम सर? धन्यवाद। लेडीज फर्स्ट। जी बताइए अंशुमान, अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं अपने गृह जिला बेगूसराय से आ रहा हूँ। बेगूसराय जी। बेगूसराय का आप सर्चिंग करते हैं ना। अच्छा, बेगूसराय कौन से प्रमंडल में पड़ता है? बेगूसराय मुंगेर प्रमंडल में पड़ता है। मुंगेर प्रमंडल। और मुंगेर प्रमंडल और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? मुंगेर प्रमंडल में बेगूसराय के अलावा भागलपुर, शेखपुरा। से बताइए। बेगूसराय में मुंगेर प्रमंडल में बेगूसराय के अलावा भागलपुर, खगड़िया, शेखपुरा और मुंगेर जिला, यही सब जिले आते हैं इसके अंतर्गत। लखीसराय जी। लखीसराय जमुई। धन्यवाद सर। और भागलपुर से नहीं आता है? भागलपुर स्वयं प्रमंडल है, जिसके अंदर भागलपुर और बांका एक साथ। जी धन्यवाद सर। बेगूसराय में कुछ एक वेटलैंड है, वहाँ पर आर्द्र भूमि है जी, काफ़ी फेमस है जी, मतलब काफ़ी फेमस है और टूरिस्ट के लिए काफ़ी आकर्षक का केंद्र है। उसका जगह का नाम आप बता सकते हैं, उसकी विशेषताएं भी बता सकते हैं? बताइए जी सर। उसका नाम काबर झील है, जो मंझौल अनुमंडल के अंतर्गत आता है। वहाँ पर एक शक्तिपीठ भी है जो मंगला माता के नाम से, जो पर्यटकों के आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। और उस कावर झील एक, जिसमें सालों भर बहुत बड़ा जल भरण क्षेत्र है। यहाँ पर शीत ऋतु में विदेशी अनेक विभिन्न प्रकार के पक्षी आते हैं यहाँ प्रवास करने। अच्छा, आपने मैथ से ऑनर्स किया है ना? जी। मैथ में हम लोग पढ़ते थे ज्योमेट्री में जी, वहाँ पर होता था कुछ थ्योरम्स होते थे जी, एक्सम्स होते थे जी, है ना? ये क्या है थ्योरम और एक्सम क्या है? एक्सम सर स्वयं सिद्ध होते हैं, इनकी सिद्धि में किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे दो और दो हमेशा चार ही होंगे, एक सरल रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। और थ्योरम होता है जिसे किसी कथन के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है, जैसे थेल्स थ्योरम हुआ और पाइथागोरस थ्योरम। आपने थेल्स थ्योरम का नाम बताया, थेल्स थ्योरम क्या है? थेल्स थ्योरम सर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई भुजा दो अन्य भुजाओं को समान भाग में विभाजित करते हैं जी। अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपने पढ़ा होगा जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं जी, रूट्स के नेचर के बारे में बताएंगे जी? हाँ बताइए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डी कहा जाता है, अगर इक्वल्स टू जीरो हुआ तो इसके रूट दो रूट होंगे। अगर डी इक्वल्स टू नॉट जीरो हुआ तो इसके सिर्फ एक ही और रियल रूट होंगे। नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो एक ही रहेगा जी, कन्फर्म है जी। पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स होंगे ही होंगे जी, ऑलवेज टू रूट्स होंगे। अब इक्वल होंगे कि अनइक्वल होंगे, रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, ये अलग बात। रूट तो दो होगा ही होगा, इसके लिए सॉरी सर सोच कर बोल सकते हैं जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की प्रवृत्ति डिस्क्रिमिनेंट पर निर्भर करती है, जिसमें अगर डी इक्वल्स टू जीरो हुआ तो रूट रियल और सर इसका मैं अच्छे से अभी जवाब नहीं दे पाऊंगा। जी इकोनोमेट्री पढ़े होंगे जी, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने जी, इंटरमीडिएट में भी फिजिक्स में पढ़ा होगा जी। तो क्या इसका एप्लीकेशन हो सकता है हमारे लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री का सर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हमारे लाइफ में है, सड़कों के निर्माण में, भवनों के निर्माण में, किसी भी संरचनात्मक कामों में त्रिकोणमिति का एक अनिवार्य उपयोग है सर। किसी भी निर्माण कार्यों में त्रिकोणमिति के बिना काम नहीं हो सकता है, किसी भी निर्माण कार्यों में सटीकता के साथ काम करने के लिए त्रिकोणमिति जरूरी होगी। जॉन नेपियर का नाम सुना होगा आपने, नेपियर फार्मूला भी है। सॉरी सर मैंने इनका नाम नहीं सुना है जी। डिमार्गन्स का नाम सुना है? डिमार्गन्स लॉ? नहीं सर, इसके लिए सॉरी। लेबनीज़ थ्योरम पढ़ा है? नाम सुना है सर, लेकिन अभी ये थ्योरम मुझे याद नहीं है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। अंशुमन जी, सूरज से रिलेटेड जी,
ये मुझे बताइए कि जब सूरज में एनर्जी बनती है जी, किस प्रोसेस से बनती है? सूरज में एनर्जी मैम नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा बनती है। जी, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। जी, ये मुझे बताइए कि न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम हम लोग बहुत सुनते हैं और टेक्नोलॉजी को यूज भी करते हैं जी, इसी न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी में हम लोग की कहां तक अचीवमेंट की है? न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्निक्स में मैम हमने हाइड्रोजन बम का निर्माण इसी प्रक्रिया के आधार पर होता है, और दूसरा विद्युत रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर जहाँ पे विद्युत का उपयोग होता है उसमें यही प्रक्रिया काम आती है, इसी प्रक्रिया के आधार पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट में। हाल ही में मैम बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में। अभी आप रामसर साइट की बात कर रहे हैं, वेटलैंड की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि ये वेटलैंड का इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल प्रायोरिटी में क्या बेनिफिट है? अगर इकोनॉमिक के आधार पर देखें तो वेटलैंड का बहुत बड़ा महत्व है मैम हमारे जीवन में। वेटलैंड में विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती की जाती है, और वेटलैंड जो होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का संरक्षण भी होता है, और उसमें मछली उत्पादन भी किया जाता है जिससे हमारे मछुआरे समाज के लोगों का जीवन यापन होता है। और दूसरा अगर इकोलॉजिकल आधार पर देखा जाए तो वेटलैंड्स को प्रकृति की किडनी कहा जाता है, जो भूमिगत जो विभिन्न प्रकार के जलों को उनके उनमें मौजूद दूषित पदार्थ को छान कर जल को स्वच्छ करते हैं और भूमिगत जल को दूषित होने से बचाते हैं। जी, ये मुझे बताइए कि इसको लेके एक लिस्ट निकलती है रामसर साइट। जी, अभी इंडिया में प्रेजेंटली कितनी रामसर साइट है? मैम 43। ज्यादा ही? मैम सॉरी, मैं फिर से बोलना चाहूंगा 53। आपका प्लेइंग क्रिकेट है? जी, ठीक है। मुझे बताइए ये पावर प्ले क्या होता है? पावर प्ले में क्रिकेट में एक पारी में 20 ओवर या T20 में 20 ओवर और वनडे क्रिकेट में 50 ओवर का होता है। वनडे क्रिकेट में 15 ओवर का एक रखा जाता है पीरियड, जिसमें मात्र दो खिलाड़ी 30 गज घेरे के बाहर होते हैं, जिसमें बल्लेबाजों के लिए रन बनाना काफ़ी आसान होता है क्योंकि बाउंड्री लाइन पे केवल दो खिलाड़ी रहते हैं, बाकी सभी 30 गज के घेरे के अंदर रहते हैं। कितने पावर प्ले तक होते हैं वनडे क्रिकेट में? मैम तीन पावर प्ले होते हैं। मुझे बताइए तीसरा जो पावर प्ले है इसकी डिमांड कौन करते हैं, बॉलर साइड से या बैट्समैन साइड से? जनरली जी, इसकी डिमांड बॉलर साइड से किया जाता है मैम। सुमन जी, सुमन आपने आज न्यूज पेपर पढ़ा होगा जी कि माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी जो प्रस्तावना में हम लोगों ने जो समाजवाद और धर्मनिष्ठता को जोड़ा था 76 में जी, उस पर हियरिंग करना चाहते हैं, सुनवाई करना चाहते हैं, तो याचिका दायर किया है इसको हटाया जाए जी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या प्रस्तावना से इसको हटाया जा सकता है? सर मैं इस पे कहना चाहूँगा कि प्रस्ताव ये हमारे संविधान की मूल भावना में ही निहित है, इसको 42वें संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था, लेकिन इसे संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया है, इसे नहीं हटाया जा सकता है सामान्य तौर पर। जी ये न्यायिक प्रक्रिया की बात है, इसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है, इसके लिए माफी चाहूँगा सर। आपने रिपोर्ट को पढ़ा होगा, NCRB का रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कहता है कि सुसाइड के मामले में केरल टॉप पर है जी, और बिहार सबसे लास्ट जी। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि केरल इतना शिक्षित राज्य है, भारत का सबसे शिक्षित स्टेट है, उसके बावजूद भी केरल में ऐसा स्थिति क्यों बना हुआ है? सर NCRB की रिपोर्ट में केरल आत्महत्या के मामले में टॉप पर है, इसका मुझे दो कारण नजर आता है। केरल के लोग शिक्षित जरूर हैं लेकिन उनमें जीवन जीने की उत्कट लालसा नहीं है, जैसे हम बिहार के लोगों में जीवन जीने की अदम्य अभिलाषा और लालसा है। केरल के लोग जीवन के प्रति
उनका मोह बिहार के लोगों की अपेक्षा मुझे शायद कम लग रहा है। और कोई कारण? इसका तो और अच्छे से मुझे कारण अभी नहीं समझ में आ रहा है, इसके लिए सॉरी सर। मुझे समझाइए कि एक बाल आशीर्वाद योजना करके प्रोजेक्ट लॉन्च किया है चंडीगढ़ में जी, ठीक है, इस योजना के बारे में आप जानते हैं? नहीं सर, नहीं जानते। सॉरी, इसके लिए बात ही नहीं, आप नहीं जानते हैं जी। ऑपरेशन मुक्ति का नाम सुना है आप? जी। ये क्या है ऑपरेशन मुक्ति? अनैतिक अनैतिक मानव व्यापार में शामिल महिलाओं की रेस्क्यू के लिए ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तो बेगिंग से संबंधित था जी, चाइल्ड बेगिंग से रोकने के लिए जी। ठीक है, सॉरी सर, आपको मुझे समझाने के लिए दीजिए थोड़ा सा कि हमारी सरकार पिछले कुछ समय से परिवहन विभाग में सुधार करना चाह रही है जी, जिससे आप अवगत भी होंगे जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यदि आपका सिलेक्शन परिवहन विभाग में होता है जी, तो आप अपनी तरफ से क्या क्या और उसमें जोड़ सकते हैं सुधार में? सर, सरकार तो परिवहन विभाग में सुधार करने के लिए बहुत से कदम उठा रही है, लेकिन मैं इस विभाग में अगर जाता हूं तो मैं तीन मूल मंत्र पर काम करना चाहूंगा, शक्ति, जागरूकता और नियमित जांच। इन तीन कदमों के माध्यम से हम परिवहन विभाग की अधिकांश समस्याओं को सुलझा सकते हैं। ये शक्ति क्या हुआ? मैंने शक्ति सरकार के जो नियम कानून बनाए गए हैं यातायात के संचालन के लिए, उनका हम पालन कड़ी प्रक्रिया से करवाना चाहते हैं जी। और दूसरा मैंने जागरूकता बताया, जागरूकता कैसे कीजिएगा? हमारे बिहार के लोग अधिकांश इन कानूनों से अनभिज्ञ हैं, हम उन्हें स्कूली शिक्षा में शामिल कर बच्चों को और कॉलेज के छात्रों को इसके माध्यम से इनकी जानकारी दे सकते हैं जी। आप जो स्कूल का जो सिलेबस है जी, उसमें शामिल करना का राइट आपके पास होगा क्या? नहीं सर, मैं इसको नैतिक इस सिलेबस के अलावा नैतिक शिक्षा के रूप में इसको रखना चाहूंगा। तो आप नैतिक शिक्षा के रूप में जी, आप शामिल करने के अधिकार आपके पास है? नहीं सर, मैं इनका सुझाव दूंगा विभाग के माध्यम से सरकार को जी। बहुत अच्छा सुझाव है, और क्या करेंगे बताइए। और सर मैं कम से कम महीने में दो बार और सप्ताह में एक बार सड़क सुरक्षा सप्ताह और आमजन और विभाग के अधिकारियों के बीच एक मीटिंग रखने का प्रयास करूंगा, जिनमें विभाग के द्वारा आम जनता को दुर्घटनाओं के दुष्प्रभाव, उनकी क्षति और यातायात के नियमों के संबंध में पूरी जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। अंशुमान आदित्य जी, तो बिहार के मुख्यमंत्री ने अभी आज के अखबार में एक स्टेटमेंट आया है जी, कि मैं करप्शन करने वालों को सहयोग नहीं करता या उनका पक्षपात नहीं करता, उनको माफ नहीं करता जी। लेकिन बिहार के मंत्रिमंडल में इस तरह के कई लोग शामिल हो जा रहे हैं, आपका क्या कहना है? सर, मेरा इस पे कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है, और कैबिनेट में जो मंत्री शामिल हैं उन पर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, अभी उन पर सिर्फ आरोप ही लगे हैं जी, न्यायपालिका द्वारा भी उन पे आरोप सिद्ध नहीं किया गया। नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि गठबंधन की सरकार है तो कुछ प्रेशर रहा होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर? जी नहीं, जहाँ तक मैं मुख्यमंत्री महोदय की कार्यशैली से अवगत हूँ तो मुझे लगता है हमारे मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार। अंशुमान, आप लगभग 22-23 वर्ष आपकी आयु हो चुकी है जी, आप अपने लाइफ से अभी तक जो आपका लाइफ से आपने क्या सीखा है, क्या अनुभव प्राप्त किया है, कुछ एक ऐसा इम्पोर्टेंट चीज बताइए जिसको आपने सीखा है? सर, मैंने सीखा है धैर्य रखने से हमारी मुश्किलें आसान हो जाती है और हमें रास्ता खुद ब खुद दिखने लगता है। जो काम आप करेंगे तो काम दो तरह से होता है, जैसे कहा एक शक्ति के बारे में भी बताया था जी, तो वहाँ पर जो काम होगा कभी तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क जी, दोनों में क्या डिफरेंस है? स्मार्ट वर्क सर किसी काम को करने का आसान एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी काम को आसानी से विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जिसमें संसाधन और समय दोनों का बचत होता है। और हार्ड वर्क हुआ किसी काम में कड़ी मेहनत करना जिसमें समय का ध्यान नहीं रखा जाता है और संसाधन का भी कुछ खास ख्याल नहीं रखा जाता है। अच्छा, आप किस तरह से काम करना है? मैं सर स्मार्ट वर्क करना चाहूँगा। ठीक, धन्यवाद सर।
तो बढ़िया है, बहुत सुधार है ना जी, कुछ इम्प्रूवमेंट है, इसी तरह बना कर रखना है, वहाँ पे घबराना नहीं है। एक्सपीरियंस इज गुड, ऑनेस्टी दिखती है, क्लैरिटी दिख रही है और बाकी सब अंतर तो बोली तो मैथ में थोड़ा बहुत जो और है पूछा गया है उसको तो देख लो फिर अच्छा रहेगा। अच्छा, थ्योरम्स वगैरह बोलने में जो है थोड़ा अभी भी तो और बात करना है टोन, अनैतिक को अनैतिक बोलते हो, अनैतिक बोला भाषा में। और शक्ति जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में शक्ति तो सही चीज़ है, लेकिन आज कल जैसे समय बदल रहा है वहाँ पर शक्ति और सॉरी पहला शब्द शक्ति जी ये बोलने से थोड़ा सा लगेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का लगेगा। अच्छा ठीक है ना, ठीक है, कोई ठीक नहीं रहता तो हमें बताना है कि सर मेरा एक फोकस रहेगा जान बुझ कर गलती करने वालों के प्रति शक्ति। अच्छा, ड्राइविंग करता है, बदमाशी करता है, बार-बार गलती करता है जी, उसके साथ शक्ति करना ठीक है ना। व्यक्ति ऐसे आ गया कि गलती से हो गया अस्पताल जा, जल्दीबाजी में अस्पताल जा रहा है, हेलमेट नहीं लिया, पुलिस को पकड़ कर फाइन कर देगा या फिर उसको एक्सपोर्ट करेगा, परेशान करेगा, दिक्कत होगी ठीक है ना, सब होता है जी। तो जानबूझ कर गलती करने वाले शक्ति ये बताना। अच्छा, बहुत चीज़ को ध्यान रिमेडियल अप्रोच रखना है, बाकी सब तो ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन वाला ध्यान रखना है। अच्छा डी जी, हाँ ध्यान रखना है, क्यूबिक इक्वेशन में जी थ्री रूट्स होंगे, हाँ बायपोलिटिक में फोर रूट्स होंगे जी, तो ध्यान में रखना है ठीक है, बाकी सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वही एसेंट बार बार हो रहा है बेगूसराय वाला टोन। हाँ, हाँ, और सर ये हम का प्रॉब्लम था वो कुछ ठीक आज का ठीक था। अच्छा, और आई कॉन्टैक्ट सर बढ़िया। अच्छा बढ़िया, बहुत अच्छा है, तुम बल्कि पूरे भरोसे के साथ काम कर रहे हो जी जी, अच्छा है, बढ़िया करो ठीक है ठीक है, थैंक यू, कंटिन्यू मेहनत करते रहना।